सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेनामी लेन देन अधिनियम को लेकर बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 की धारा असंवैधानिक है या धारा मनमानी है। इसके साथ ही बेनामी संपत्ति के लिए 3 साल की सजा का कानून निरस्त हो गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख को लागू नहीं होगा। पुराने मामलों में 2016 के कानून के तहत कार्यवाही नहीं होगी। वहीं बेनामी लेन देन अधिनियम की धारा में कहा गया है कि जो भी बेनामी लेन देन में शामिल है उसे 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की एक पीठ ने यह फैसला सुनाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक याचिका दाखिल की थी। पीठ ने कहा है कि 1988 के एक्ट के अनुसार ही 2016 में लाए गए अधिनियम के सेशन 3(2) को भी असंवैधानिक करार दिया गया है, क्योंकि यह संविधान आर्टिकल 20(a) का उल्लंघन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।